बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम मौजूद हैं उन लोगों के दरमियान जो मुल्क के लिए और मुल्क की सरपरस्ती और बुलंदी के लिए अपनी इफ्तारी बाहर करते हैं ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके, लोग टाइम पे पहुंच के अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें और उनके साथ रोज़ा इफ्तार कर सकें। आए चलते हैं और आज इन्हीं के साथ अपने रोज़े की इफ्तारी करते हैं। पहले तो हमें ये बताएँ कि आपको कितनी देर हो गई है आप घर से बाहर रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। ये तकरीबन मुझे 20वां साल है। 20 साल जी, मुझे 20 साल हो गए हैं। मैं ये ट्रैफिक पुलिस में जो है ना, रमज़ान हमारा होता ही बाहर है, अब तो हमारी खैर रूटीन बन गई है, तो अब तो हमें महसूस भी नहीं होता, शुरू में होता था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि अब तो हमारी जो है ना एक रूटीन बन गई है कि हम तो सर कभी कभी घर वालों ने शिकवा नहीं किया कि घर क्यों नहीं करते? उनकी भी रूटीन बन गई है, जैसे हमारी रूटीन बन गई है ऐसे उनकी भी रूटीन बन गई है, उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं होती। शुरू शुरू में होता है जब इंसान होता है, लेकिन जब ये कि इतने सालों के बाद तो उन्हें पता चल गया कि इस बंदे ने तो घर रोज़ा खोला ही नहीं है। तो सर आप आवाम के लिए कि वो टाइम से गुजर जाएं, आप उनके लिए यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे रोज़े की कोई फैसिलिटेट आप अपनी तरफ से करते हैं सर? नहीं, हमें वैसे गवर्नमेंट को सरकारी तौर पर भी हमें अफ्तारी का सामान दिया जाता है और हमें ना खुशी, ड्यूटी तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन इस वक्त इस टाइम पे ड्यूटी करके ना हमें खुशी, दिली खुशी मिलती है कि यार हमारी वजह से लोग अपने घरों को जा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ रोज़े खोल रहे हैं, हमें सवाब मिल रहा है और ड्यूटी का जो है ना मज़ा वो दुबाला हो जाता है। सर आप जैसे अगर रहे हमारे पास लोग जो सरमाया हमारे मुल्क का, तो क्या ही बात है। और कुछ कहना चाहेंगे सर कि घर वाले तो चले अब आदत, आप कह रहे हैं कि आदत हो गई है, तो सर आप फील नहीं करते कि यार आपको भी अपनी फैमिली के साथ रोज़ा इफ्तार करना चाहिए? जब उसका कंपैरिजन आप करते हैं ना कि हमें अब जिस तरह नेकी का स्वाब ज़्यादा मिल रहा है इस वक्त में, तो फिर हम वो चीज़ें छोटी हो जाती हैं कि हम अफ्तारी घर में करें। हम इस चीज़ में यकीन करें कि ज़्यादा मज़ा आता है कि हमारी वजह से लोग जो है ना वो फैसिलिटेट हो रहे हैं, वो अपने घरों को जा रहे हैं, इन टाइम पहुँच रहे हैं। हमें पहले तो ये बताएं कि आपको कितनी देर हो गई है यहाँ बाहर रोज़ा इफ्तार करते हुए? ये जब से रमज़ान आया हमने सारी इफ्तारियाँ बाहर ही की हैं रोड पे ही। यानी कि आपकी ड्यूटी आपने ज्वाइनिंग जब से की है, आप जितने रमज़ान आए हैं तब से आप कहाँ करें इफ्तारी? मेरी ज्वाइनिंग तो हुई है ये पिछले साल नवम्बर में। अच्छा, तो उसके बाद जब से रमज़ान आया हमने रोड पे ही इफ्तारी की है। तो सर आपका दिल करता नहीं है कि घर जा कर रोज़ा फैमिली के साथ इफ्तार करें? क्यों नहीं करता, सबका करता है, मगर कुछ जिम्मेदारियाँ भी तो होती हैं ना, जिम्मेदारियाँ भी तो पूरी करनी चाहिए ना इंसान को। तो सर कभी घर वालों ने शिकवा किया हो कि ये रोज़ा घर भी इफ्तार करो हमारे साथ? घर वाले क्यों नहीं करते, अगर बताइए, घर वाले तो करते हैं। अब आप लोगों के लिए हम रोड पे खड़े हुए हैं कि आप लोग सेफ्टी से अपने घर चले जाएं, और तो कोई बात नहीं है। ये सिटी ट्रैफिक पुलिस की और यही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जितने भी एहलकार इनके जवान खड़े हैं, ये उन्हें तकसीम कर रहे हैं। मेरा ख्याल अभी टाइम 20 मिनट पड़े हैं, तो 20 मिनट पहले इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया है खाने की, कि जो हमारे एहलकार हैं वो भी रोज़ा इफ्तार टाइम पे कर सके।